लास्ट टाइम हमने यहाँ तक हो गया है, न सीखा था, ठीक है। फिर आज क्या सीखने वाले हैं? च, बोलो, च से चम्मच, च से चप्पल, वंस अगेन, च से चम्मच, च से चप्पल। अभी च कैसे लिखते हैं देखो, फर्स्ट हम क्या बनाएंगे, स्लीपिंग लाइन, फिर जहाँ पे स्लीपिंग लाइन एंड होती है वहां से नीचे एक ऐसे कर्व बनाएंगे सी के जैसा, ठीक है। स्लीपिंग लाइन, फिर ऐसे कर्व, तो जहाँ पे वो कर्व एंड हुआ उसे ज्वाइन करके एक स्टैंडिंग लाइन, सर के ऊपर एक स्लीपिंग लाइन स। वंस अगेन ध्यान से देखो, पहले स्लीपिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन को ज्वाइन करके एक नीचे से कर्व बनाएंगे सी की तरह, और फिर उसे ज्वाइन करेंगे स्टैंडिंग लाइन से एंड सर पे एक स्लीपिंग लाइन स। तो आपको ये च च बोल के ये ड्रेसिंग कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र के नाम को पूरा करो। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे वर्ड्स है नीचे, मतलब उसे पिक्चर्स का नाम है, आपको क्या करना है उसका नाम च लिख कर कम्प्लीट करना है। पहले क्या है, चटाई, तो आप क्या करोगे यहाँ पे ऐसे च लिखोगे, तो ये वर्ड कम्प्लीट हो गया है, चटाई। नेक्स्ट क्या है, चटनी, तो यहाँ पे भी आगे च लिखना है, इडली के साथ खाते हो ना वो चटनी, ठीक है। फिर ये फूल है चमेली का, यहाँ पे भी आपको च लिखना है, चमेली वर्ड कम्प्लीट हुआ। वंस अगेन क्या लिखा हमने, चटाई, देखो यहाँ पे आ की मात्रा आई है ना, ट प्लस आ हमने सीखा ना, क्या होता है टा, तो चटाई, फिर चटनी, चमेली, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, छ, छ से छतरी, बोलो छ से छतरी, छ से छत्ता, मधुमक्खी क्या बनाती है, वो हनी बी, हनी बीज रहती है ना, वो जहाँ पे रहती है उसे क्या बोलते हैं, छत्ता हिंदी में, और मराठी में हम लोग क्या बोलते हैं, मधमाशाचा पोळ, तो उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, छत्ता। छ से छतरी, छ से छत्ता, ठीक है। छ को कैसे लिखना है देखो, जैसे हम बी में दो कर्व बनाते हैं वैसे सेम वे बनाना है। यहाँ नंबर सिक्स कैसे लिखते हैं, नंबर थ्री को भी बोल सकते हैं ऐसे, नंबर थ्री हम लोग नॉर्मली लिखते हैं, उसे उल्टा लिखना है, ठीक है। दो हाफ सेमी सर्कल को ज्वाइन करना है या हाफ सर्कल को, फिर जहाँ पे सेकेंड हाफ सर्कल एंड होगा वहाँ पे ऊपर गए और एक छोटा सा फोल्ड किया, छोटा सा सर्कल, और उसके ऊपर एक स्टैंडिंग लाइन। वंस अगेन पहले दो हाफ सर्कल को ज्वाइन किया, वहां से ऊपर गए एंड से, और फिर एक फोल्ड किया, ठीक है। और जहाँ पे फोल्ड हो रहा है उसके ऊपर एक स्टैंडिंग लाइन, फिर सर पे ऑब्वियसली एक स्लीपिंग लाइन। वंस अगेन ध्यान से देखो टीचर कैसे लिख रही है, छ, जब भी आप लिखोगे तो आपको बोल के लिखना है, छ छ छ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र के नाम को पूरा करो। सेम वे देखो, यहाँ पे किसका चित्र है, छतरी का, तो यहाँ पे आपको छ लिखना है ऐसे, ठीक है, छतरी। ये क्या है, सिक्स है, लेकिन हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, छ। तो आप क्या करोगे, सिर्फ यहाँ पे छ लिखोगे, ठीक है। इसके आगे ये डॉट का मतलब है, अम के बाद हम आहा लिखते हैं ना, तो छ प्लस आहा क्या होगा, छ, ठीक है। ये है छड़ी, वंस अगेन विल राइट द छ, ठीक है। क्या क्या सीखा, छ से छतरी, छ से छ, फिर मतलब नंबर सिक्स, और छ से छड़ी, ठीक है। आपको टेक्स्ट बुक में क्या करना है, ये दो पेज कंप्लीट करना है, 30 और 31, और नोटबुक में एक पेज पे तीन कॉलम बना के च लिखना है, और नेक्स्ट पेज पे छ लिखना है, मतलब दो पेज नोटबुक में और दो पेज टेक्स्ट बुक में, ओके स्टूडेंट्स।